आज के ट्यूटोरियल में बताने जा रहे हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील वाटर टैंक। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट, जो हमने आइस कोर्ट से एक ब्रीफ समरी टाइप में बताया था कि आपको स्टील वाटर टैंक डिज़ाइन करने के लिए किन किन पार्ट में आपको आइस कोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, जो आइस कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थे, वो हमने ट्यूटोरियल पहले के ट्यूटोरियल में हमने दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि डिज़ाइन के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना पड़ता है, कोई भी स्टेप को हम जंप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने उस ट्यूटोरियल को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें, उसे समझ लें, कहीं अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के ट्यूटोरियल में हम बताएंगे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील वाटर टैंक, जिसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रेसेस इन स्टैंड पाइप ड्यू टू वाटर। तो मान लीजिए एक टैंक है, रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, ये एक सर्कुलर टैंक है, मान लीजिए यहाँ तक वाटर लेवल, ये आपका वाटर लेवल हो गया। तो इस टैंक में हम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स लिए और ये डिस्टेंस हमने दे दिया, मान लेते हैं कि एच। तो एट एनी सेक्शन एक्स एक्स सिचुएटेड एच बिलो द वाटर लेवल, हमको निकालना क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फार्मूला पुराना ही है, पी इज इक्वल टू डब्लू एच। पी आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डब्लू होगा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, एंड डब्ल्यू इक्वल टू होगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जाएगा 9.81 इंटू 10^-6, तो ये जाएगा आपका न्यूटन पर एमएम क्यूब। W की वैल्यू को हम इस फार्मूले में शिफ्ट कर देंगे तो P इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 9.81 इंटू 10^-6 इंटू H। तो H इंटू 1000 करेंगे क्योंकि वो मीटर में है, H जो है आपका डेप्थ ऑफ वाटर इन मीटर। तो यहाँ से आपको P इज इक्वल टू जाएगा 9.81 इंटू 10^-3 एच न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ से आप किसी भी हाइट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम निकालेंगे बर्स्टिंग फोर्स। बर्स्टिंग फोर्स F इज इक्वल टू होगा यहाँ से P आपका क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और D है डाया ऑफ टैंक इन मीटर। P का जो वैल्यू है वो हम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से F इज इक्वल टू जाएगा 9.81 इंटू 10^-3 H
इनटू डी, डी इनटू 1000 करेंगे क्योंकि डी डाई आप टैंक है इन मीटर। यहाँ से आपको एफ इज इक्वल टू मिलेगा 9.81 एच इनटू डी। न्यूटन पर एमएम, वेयर एफ इज इक्वल टू बर्स्टिंग फोर्स पर लीनियर वर्टिकल एमएम ऑफ स्टैंड पाइप और सिलेंडर। तो सबसे पहले यहाँ से आप सबसे पहले पी निकालेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन आप निकालेंगे बर्स्टिंग फोर्स, इसके बाद हम निकालेंगे हुप स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस जो है, हुप स्ट्रेस इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ एच से, या इसी को बोलेंगे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। एफ एच इज इक्वल टू एफ जो एफ बाय टू टी इंटू वन, क्योंकि हम जो हुप स्ट्रेस निकालेंगे ये निकालेंगे पर एमएम पर। तो एफ एच इज इक्वल टू एफ अपॉन टू इंटू टी इंटू वन। एफ बाय टू जो है आपका शियर फोर्स हो कि हाफ हाफ बर्स्टिंग फोर्स रहे। तो यहाँ से आप क्या निकाल देंगे, हुप स्ट्रेस। अब एफ का मान आपको पता है कि 9.81 एच इंटू डी है अपॉन टू इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा एफ एच के। तो ये हो जाएगा आपका हुप स्ट्रेस, वेयर टी क्या रहेगा थिकनेस ऑफ प्लेट इन एमएम। तो एफ एच ध्यान आपको ये रखना कि एफ एच इज इक्वल टू 9.81 एच इंटू डी अपॉन टू टी, इट शुड नॉट एक्सीड सिग्मा ए टी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सिग्मा ए टी क्या है, मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन। अब सिग्मा ए टी की जो वैल्यू है हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया हुआ परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में, तो ध्यान ये रखना है कि जो एफ एच है हुप स्ट्रेस है वो सिग्मा ए टी से ज़्यादा नहीं होगा, हाँ इक्वल हो सकता है। नाउ इफ ईटा इज द इफिशियंसी of riveted joint in the vertical direction, then we get 9.81 h into d upon 2t is equal to sigma at इंटू इफिशियंसी। हमको इस रिलेशन से निकालना क्या है, थिकनेस। तो यहाँ से आपको टी इज इक्वल टू हो जाएगा 9.81 एच इंटू डी अपान टू इंटू इफिशियंसी सिग्मा ए टी। तो यहाँ से आपका टी का जो फार्मूला है, थिकनेस हाफ प्लेट निकालने का फार्मूला, ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से आप निकालेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट।
अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है, सिंस ये नोट है आपका, इसको आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो सिंस द प्लेट इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, द एक्चुअल थिकनेस शुड बी 1.5 mm इन एक्सेस ऑफ द वन कैलकुलेटेड अबव। अर्थात जो थिकनेस ऑफ प्लेट इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 1.5 का एडिशन करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो प्लेट है वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने बताया था कि थिकनेस फॉर कोरोजन, तो उस केस के लिए 1.5 mm हमको ऐड कर देना है। तो ये नोट नंबर वन हो जाएगा। नंबर टू जो नोट है कि सेम जो आपने फार्मूला डिराइव किए हैं, इन्हीं फार्मूले से हम निकालेंगे हुप स्ट्रेस इन सिलिंड्रिकल पोर्शन। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये हुप स्ट्रेस इन सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए डिजाइन स्टेप में आएगा, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम फार्मूला लगेंगे। हमको फाइनली इस फार्मूले से थिकनेस ऑफ प्लेट ही निकालना है, तो थिकनेस ऑफ प्लेट यहाँ से निकाल लेंगे और सिलेंड्रिकल पोर्शन जब डिज़ाइन करेंगे वहाँ भी थिकनेस ऑफ प्लेट निकालना पड़ेगा, तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलिए नंबर टू में है, स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड फोर्स। तो लेट पी को हम मान लेते हैं डिजाइन विंड प्रेशर इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एच को मान लेते हैं एनी डेप्थ इन मीटर, इसको मानते हैं बिलो द टॉप, टॉप से नीचे की ओर मेजर करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर पी एच इज इक्वल टू के इंटू पी इंटू डी इंटू एच। पी एच क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रेशर। के यहाँ पर जो है वो है शेप फैक्टर, शेप फैक्टर, और फॉर सर्कुलर K इज इक्वल टू 0.7। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7 इंटू पी इंटू डी इंटू एच, ये हो जाएगा आपका किलो न्यूटन में। डी है आपका डाई ऑफ टैंक, इन मीटर। नाउ द विंड मोमेंट हमको निकालना क्या है? विंड मोमेंट एम डब्लू, ये जाएगा आपका पी एच इंटू एच बाय टू। अब पी एच आपको पता है तो यहाँ से रख देंगे 0.7 इंटू पी इंटू डी इंटू एच बाय टू। तो यहाँ से आपको एम डब्ल्यू इज इक्वल टू मिलेगा, काट देंगे तो 0.35 इंटू पी डी एच स्क्वायर, यह आपका विंड मोमेंट हो जाएगा।
इन किलो न्यूटन मीटर. नाउ इफ एच इज द टोटल हाइट ऑफ स्टैंड पाइप, अगर हम सपोज एच इज इक्वल टू कैपिटल एच कर दें तो जो मोमेंट मिलेगा एम डब्ल्यू वो जाएगा आपका 0.35 पी डी एच स्क्वायर किलो न्यूटन मीटर, या एम डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.35 पी डी एच स्क्वायर इंटू 10^6 न्यूटन mm. दोनों फार्मूला एक ही हैं, बस यूनिट का चेंज है. ये किलो न्यूटन मीटर में है और ये न्यूटन mm में है. तो अभी तक आपने दो फार्मूला पढ़ा, पहला था आपका पी एच हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए, दूसरा था विंड मोमेंट के लिए. अब निकालना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एफ बी डब्ल्यू, और किसके कारण निकालना है, ड्यू टू विंड. तो ये हो जाता है आपका एफ बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डब्ल्यू अपॉन आई इंटू डी बाय टू. डी डायऑफ टैंक, एम डब्ल्यू विंड मोमेंट, आई जो है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर रिंग सेक्शन, और आई इज इक्वल टू हमको लेना है पाई डी क्यू डिवाइड बाई 8 इंटू टी. तो यहाँ से आप मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ सर्कुलर रिंग सेक्शन का निकाल लेंगे, वेयर टी क्या है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट. तो आई के इस रिलेशन को हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से जो आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा वो हो जाएगा यहाँ से एफ बी डब्ल्यू इज इक्वल टू विंड मोमेंट, आपको पता है कि 0.35 पी इंटू डी इंटू एच स्क्वायर इंटू 10^6 ये न्यूटन एमएम में है, इंटू डी मीटर में है डायऑफ टैंक, तो उसको हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ से हो जाएगा डी इंटू 1000 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय आई, तो पाई बाय 8 इंटू डी डायमीटर जो है वो मीटर में है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो हो जाएगा डी इंटू 1000 पावर हम लगा देंगे 3 इंटू टी. इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एफ बी डब्ल्यू मिलेगा 1.4 पी एच स्क्वायर अपान पाई डी टी. तो यहाँ से हम निकाल देंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू विंड न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. अब स्ट्रेस अगर हम कहीं यूनिट नहीं भी लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड है, स्ट्रेस है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होगा. तो यहाँ से हम स्टेप टू से स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड में हमको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है विंड मोमेंट, देन आपको निकालना है आप मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, थर्ड हमें निकालना है स्ट्रेसेस ड्यू टू सेल्फ वेट. तो मान लेते हैं कि जी डब्ल्यू एस जो है ये सेल्फ वेट ऑफ टैंक है, इसे मान लेते हैं हम एक किलो न्यूटन में है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा इन द प्लेट ड्यू टू सेल्फ वेट
वो होगा आपका एफ एस इज इक्वल टू डब्लू एस, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 10^3 लगा देंगे, अपान पाई डी टी, तो डी मीटर में रहेगा तो उसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे इनटू टी, ये आएगा आपका न्यूटन एमएम स्क्वायर। अर्थात यहाँ से एफ एस इज इक्वल टू इससे कट जाएगा तो ये जाएगा आपका डब्ल्यू एस अपान पाई इंटू डी इंटू टी। तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे स्ट्रेसेस ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण हम इसमें स्ट्रेसेस इस फार्मूले से निकाल लेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, फोर्स इन एंकर बोल्ट्स। स्टैंड पाइप इज एंकर्ड टू द फाउंडेशन थ्रू एंकर बोल्ट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द साइड्स। नाउ लेट द बोल्ट्स बी सेंटर्ड एट जी मीटर अपार्ट अलोंग द बोल्ट सर्किल। नाउ इसमें सबसे पहले हमको निकालना है अपलिफ्ट स्ट्रेस, नेट अपलिफ्ट स्ट्रेस एफ यू एन किसकी वजह से निकालना है, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ विंड लोड एंड सेल्फ वेट। विंड लोड एंड सेल्फ वेट के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो हमको नेट अपलिफ्ट स्ट्रेस है वो हमें निकालना है। तो एफ यू एन इज इक्वल टू होगा एफ बी डब्ल्यू माइनस एफ एस। सेकंड नंबर में आपने पढ़ा था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू विंड, और थर्ड नंबर में पढ़े थे आप स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू विंड से आपको माइनस कर देना है स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट। आपको पता होगा कि एफ बी डब्ल्यू इक्वल टू कितना है और एफ एस इक्वल टू कितना है, तो वहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से जाएगा एफ यू एन इज इक्वल टू एफ बी डब्ल्यू था 1.4 पी एच स्क्वायर अपॉन पाई डी टी माइनस एफ एस था आपका डब्ल्यू एस अपॉन पाई डी टी। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये जाएगा 1.4 पी एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस अपॉन पाई डी टी, ये जाएगा आपका न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो जो ये अपलिफ्ट स्ट्रेस निकला है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में निकला है, हमको उसको निकालना है पर एम एम सर्कमफेरेंशियल लेंथ में। तो हैंस अपलिफ्ट फोर्स पर एमएम सर्कमफेरेंशियल लेंथ कितना हो जाएगा, एफ यू एन कैपिटल एफ यू एन इज इक्वल टू एफ यू एन इंटू टी इंटू वन, चूँकि ये स्ट्रेस है तो एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा वन पॉइंट फोर पी इंटू एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस अपॉन पाई डी टी इंटू टी, तो टी सी टी आपका
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एफ यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4 पी एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस अपान पाई डी। तो ये पर एमएम है, तो ये आपको निकलेगा न्यूटन पर एमएम पे। नाउ द मैक्सिमम अपलिफ्ट फोर्स एफ टी इन एन एंकर बोल्ट, एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ यू एन इन टू जी। अब जी चूंकि हमने मीटर में लिया था, उसको कन्वर्ट करेंगे तो एम एम में हो जाएगा 1000 इन टू 10^-3 कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये फोर्स जो था ये न्यूटन में था, उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो किलो न्यूटन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका किलो न्यूटन में। और एफ टी इज इक्वल टू एफ यू एन की कमांड जो है यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो जाएगा 1.4 पी एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस अपान पाई डी इंटू जी, ये हो जाएगा आपका किलो न्यूटन में। ये फार्मूला आपको लगेगा जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे वहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। एफ टी इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल फोर्स इन एंकर बोल्ट, द नंबर ऑफ एंकर बोल्ट इज फाउंड बाई डिवाइडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ बोल्ट सर्किल बाय स्पेसिंग जी ऑफ द बोल्ट। तो यहाँ से आपको अगर नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है, एंकर बोल्ट निकालना है, तो एफ टी इज इक्वल टू आपका पाई डी अपॉन एन इंटू 1.4 पी एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस डिवाइड बाय पाई डी। तो यहाँ से आपका पाई डी से पाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एफ टी इज इक्वल टू जाएगा 1.4 पी एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस अपॉन एन। अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ एंकर बोल्ट निकालना है तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4 पी एच स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एस अपॉन एफ टी। ये फार्मूला आपको आगे काम देगा। इस ट्यूटोरियल में आज के लिए इतना, इसके आगे का हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।